नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। देखिए, ये जो आपका शेफाली है, ठीक है, ये ना गणित और अंग्रेजी में टेस्ट देती है, जिसमें इसको कुल मिलाकर जो है 30 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए। यदि उनके गणित में, यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक, देखिए कहता है ये जो क्लास टेस्ट दी थी शेफाली, अगर इस क्लास टेस्ट में जो है गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं। अंग्रेजी में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी में कहता है 3 अंक कम मिले होते, ठीक है, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। दोस्तों, अगर शेफाली को, ठीक है, ये जो गणित है इसमें 2 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, और तब क्या होता, तब इसका गुणनफल जो है 210 होता। कितना होता, 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, शेफाली ने गणित में कितना अंक प्राप्त किया है, विज्ञान में कितना अंक प्राप्त किया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप मान लीजिए, क्या मानेंगे, गणित में अंक। यहां पर देखिए, इसका हल करते हैं, लिखेंगे माना की, ठीक है, माना की गणित, ठीक है, माना की गणित में कुल अंक, ठीक है, गणित में कुल अंक बराबर x है। सबसे पहले हमने मान लिया, माना कि गणित में कुल अंक x है, हमने मान लिया, ठीक है। दोस्तों, अगर हमने माना कि गणित में x अंक मिला, तो आपका अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी इसमें कितना अंक मिलेगा, देखिए लिखेंगे अंग्रेजी में कुल अंक, ठीक है, अंग्रेजी में कुल अंक। दोस्तों, गणित में कुल अंक x माना, अंग्रेजी में कुल अंक क्या होगा, अंग्रेजी में कुल अंक 30 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, कैसे हो जाएगा, अंग्रेजी में कुल अंक 30 माइनस x कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कहता है। शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। दोस्तों, गणित, ठीक है, ग से गणित और अ से अंग्रेजी, ठीक है, इस दोनों में जो है कुल मिला के इसको 30 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमने माना कि गणित में x अंक प्राप्त किया है, हमने क्या माना, गणित में x अंक प्राप्त किया है। दोस्तों, अगर गणित और अंग्रेजी में 30 अंक है कुल मिला के, अगर गणित के अंक को हम घटा देंगे, देखिए ये 30 क्या है, ये 30 जो है, ये गणित और अंग्रेजी दोनों को मिला के अंक जो मिला है ना, वही है। ठीक है, अगर आप इस गणित के अंक को इस 30 में घटा देते हैं, तो जो आएगा वही आपका अंग्रेजी में अंक होगा। ठीक है, इसीलिए अंग्रेजी में कुल अंक 30 माइनस x हो गया। आप देखिए, यही आपका बात है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आया, नहीं आया, यहां पर देखिए, मान लीजिए आपने विज्ञान का, ठीक है, विज्ञान का और संस्कृत का एग्जाम दिया, और दोनों मिला के आपको 100 नंबर आया। ठीक है, आपको बता दिया गया कि संस्कृत में आपको 60 नंबर आया। ठीक है, तो दोस्तों
विज्ञान में आपको कितना नंबर आया, कैसे पता करेंगे? सिंपल सा है, 100 में 60 घटा देंगे तो आपका 40 आ गया, यानी 40 आपका विज्ञान में आ गया। वही बात तो है, कुल मिलाकर 30 अंक है, उसमें x जो है गणित में आया है, तो अंग्रेजी में कितना आया, तो 30 - x हो गया। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, आगे समझिएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक, क्या कहता है, गणित में 2 अंक अधिक। गणित में अंक कितना है, गणित में x अंक है, तो x में आप 2 जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ दिए, और ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में क्या कह रहा है, 3 अंक कम कह रहा है, ठीक है। अंग्रेजी में आपका कुल अंक है 30 - x, ठीक है, तो आप 30 - x जो है, ठीक है, अंग्रेजी में कुल अंक है 30 - x, और क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी में 3 अंक कम, यानी 30 - x में आपको 3 घटा देना है, ठीक है। मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, यानी ये और ये, मतलब कि गणित के अंकों और अंग्रेजी के अंकों का गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए, 210 होता, यानी बराबर 210 लिख दिए, कहता है ना गुणनफल 210 होता, यानी बराबर 210 होता। समीकरण आपका तैयार हो चुका है, ठीक है, अब इसको आपको हल कर देना है। हल करने के लिए आपको आता है, यहां पर देखिए कैसे हल करेंगे दोस्तों। इससे जो है पहले इसमें, फिर इसमें, सॉरी यहां पर आपका घटाव हो रहा है, घटाव कर दीजिए। देखिए x प्लस 2 है, x प्लस 2 लिख दिए, ठीक है, यहां पर देखिए ये गुना है, गुना लिख दिए, 30 - 3 आपका 27 हो गया, माइनस एक्स है, माइनस एक्स लिख दिए, बराबर 210 है, बराबर 210 लिख दिए, यहां तक कंप्लीट। अब गुना कर दीजिए, एक्स इस एक्स से पहले इससे, इसके बाद इसमें गुना करना है, एक्स गुना 27 एक्स हो गया, ठीक है, एक्स गुना माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ओके। अब प्लस 2 से गुना कीजिए, इस 2 से पहले इसमें, उसके बाद इसमें गुना करना है, 2 - 27 आपका 54 हो गया, ठीक है, 2 - x -2x हो गया, बराबर आपका 210 लिख दिए, ओके। यहां पर देखिए -x स्क्वायर लिख दिए, ठीक है दोस्तों, 27x है और -2x है, 27 में 2 गया आपका 25x बचा, ठीक है, प्लस 54 है, ठीक है, और ये 210 इधर लेते आइए तो क्या होगा, -210 हो जाएगा, बराबर 0। ये 54 यहां पर लिख दिए, बाकी ये जो है इसमें घट गया और ये हो गया, 27 में 2 गया 25x, ये खत्म हो गया, बाकी 54 लिख दिए और 210 को जो है इधर लेते आए, तो -210 हो गया दोस्तों। 54 - 210, 210 में 54 गया कितना बचा, 10 में 4 गया 6, 10 में 5 गया 156, -156 हो जाएगा। देखिए -x² + 25x - 156 हो गया, बराबर 0 हो गया। यहां तक कंप्लीट हुआ ना, अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं दोस्तों। एक्स स्क्वायर के आगे माइनस अच्छा नहीं लगता, खत्म कीजिए, कैसे, माइनस कॉमन लेंगे। देखिए -1 कॉमन लिए, बचा एक्स स्क्वायर, ये प्लस -25x हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 156 हो गया, बराबर 0, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर -25x प्लस 156 बराबर 0 हो गया दोस्तों। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है, कैसे सॉल्व करेंगे
गुणनखंड विधि से सॉल्व कर दीजिए या फिर द्विघाती सूत्र का उपयोग करके आप इसे सॉल्व कर दीजिए। हम यहां पर इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए, फर्स्ट गुना लास्ट यानी कि एक्स स्क्वायर गुना 156 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, दो संख्या के बारे में सोचना है जिसको गुना करेंगे 156 एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन जोड़ेंगे -25 एक्स आएगा। सोच नहीं पा रहे हैं तो इसका गुणनखंड निकाल दीजिए 156 का, 156 का गुणनखंड 2 से 2 14 2 16, ठीक है, 2 से 2 6 2 18, 3 से 3 13, ठीक है। देखिए 2 2 3 13, दोस्तों हमको दो संख्या चाहिए था लेकिन 1 2 3 4 संख्या आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या कि इससे जो है ना, इस संख्या से ना चार संख्या के मदद से जो है दो संख्या बनाना है। देखिए 2 × 2 × 3 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 तो 2 × 4 = 12 हो गया, एक संख्या 12 हो गया और दूसरा आप 13 रहने दीजिए। दोस्तों ये सब ना प्रैक्टिस की बातें हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको आइडिया आने लगेगा कैसे ये सब होता है, ठीक है। फिलहाल आप इसी तरह से समझ जाइए, बाकी आपको जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी बातें क्लियर होते जाएंगी कि कैसे हम इस चार संख्या के मदद से दो संख्या बनाएंगे, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए दोस्तों आप कीजिए ये कि -12 और -13 लीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों, माइनस लेंगे ना तभी आपका यहाँ पर -25 आएगा और प्लस लेंगे ना तो यहाँ पर नहीं आएगा माइनस, इसीलिए ना -12 और -13 लिया। देखिए एक्स एक्स ले लीजिए, -12 -13 जोड़ दीजिए, -25 एक्स हो जाएगा और जब आप इसे गुना करेंगे ना तो आपका माइनस प्लस हो जाएगा और 12 × 13 156 हो जाएगा, यानी प्लस में आ जाएगा, यानी कि संख्या आपका क्या है, संख्या आपका -12x - -13x आपके सामने है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। 25x नहीं लिखेंगे, लिखेंगे -12x - -13x लिख दिए, प्लस 156 है, प्लस 156 = 0 लिख दिए। अब आइए एक्स जो है इसे कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, 2x है, एक एक्स कॉमन आ गया, बचा एक एक्स -12, ठीक है। यहां पर -13 कॉमन लीजिए, यहां पर एक्स लगा, ठीक है। 13 कॉमन आ गया, बचा एक्स, ठीक है। 13 से इसमें भाग दीजिए, 13 से तरीका देखिए, 13 से इसमें भाग दीजिए, भागफल 12 आ जाएगा। यहां पर आपका माइनस कॉमन आ गया है ना, आपको बताया है मैंने जब माइनस कॉमन आता है तो ब्रैकेट के अंदर जो है चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है ना ये आपका माइनस हो जाएगा और 13 इसका कॉमन आ गया है तो यहां पर आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 13 से देखिए अगर आप गुना नहीं कर पा रहे ना, तरीका समझिए, इस 13 से इसमें भाग दीजिए और जो भागफल आएगा वही यहां पर लिख दीजिए, तो 13 से जब इसमें भाग देंगे भागफल 12 आएगा, ठीक है, तो बराबर इसका 0 हो गया। दोस्तों अगर ये और ये समान है मतलब क्वेश्चन सही है, अगर समान नहीं है मतलब क्वेश्चन गलत है। अब जो बाहर है उसे साथ लाइए, एक्स माइनस 13 है लिख दिए एक्स माइनस 13, और जो अंदर है उसको लिख दीजिए एक्स माइनस 12 लिख दिए, बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब एक्स माइनस 13 = 0, ठीक है, एक्स बराबर 13 हो गया, एक्स माइनस 12 = 0, एक्स बराबर 12 हो गया। दोस्तों
दोनों पॉजिटिव है, आप चाहे तो एफ का मान तेरह लीजिए या फिर बारह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी किताब में ना दो तरह से आंसर दिया गया है, एक तेरह लिख के दूसरा बारह लिख के, आप जिस तरह से बनाइए दोनों तरह से सही है। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। बगल में छोटा सा और बच्चा है, ठीक है, थोड़ा सा देखिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम गणित में अंक है ना, तो लिखेंगे गणित में अंक। ठीक है, गणित 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 में अंक, गणित में अंक क्या होगा, एक्स, एक्स का मान तेरह है, तेरह लिख दिए। ठीक है, अब क्या है अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी 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 में अंक क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में अंक हो जाएगा तीस माइनस तेरह, यानी कि आपका दस में तीन का सात, दो में का एक, यानी आंसर आपका तेरह सत्रह हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप बारह लेके बनाएंगे ना तो आपका आंसर आएगा बारह अठारह। ठीक है, आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ओके, थैंक यू।